दोस्तों व्हाट्सएप तो हम सभी लोग यूज़ करते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कोई भी बंदा आपकी व्हाट्सएप को हैक कर सकता है, आपका डाटा को हैक कर सकता है। तो आप अपनी व्हाट्सएप को कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी व्हाट्सएप हैक तो नहीं, कहीं कोई बंदा आपकी व्हाट्सएप को हैक तो नहीं कर रहा, या फिर आप अपने डाटा को सिक्योर करना चाहते हैं तो किस तरह से आप अपनी व्हाट्सएप को सिक्योर कर सकते हो, किस तरह से आपने अपनी व्हाट्सएप को हैक होने से बचाना है, तो सब कुछ मैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप में बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जिनसे कोई भी बंदा आपकी व्हाट्सएप को एक्सेस कर सकता है, आपका डाटा देख सकता है। तो किस तरह से आप अपने व्हाट्सएप डाटा को सिक्योर कर सकते हो, सबसे पहली चीज़ जो है जब आप अपनी व्हाट्सएप का अकाउंट बनाते हो तो आपका जो OTP होता है वो OTP आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना, क्योंकि जो अगर कोई बंदा आपका OTP मतलब कि वो देख लेता है या फिर किसी भी तरह से उसके पास चला जाता है तो वो आपकी व्हाट्सएप को हैक कर सकता है। तो ये पहला रीज़न है जिससे आपकी व्हाट्सएप हैक हो सकती है, तो इसको आपने बचा के रखना है। उसके बाद कोई भी बंदा आपके QR कोड को स्कैन करके आपके व्हाट्सएप को एक्सेस कर सकता है, उसका सारा डाटा वो अपने मोबाइल में देख सकता है। उसके बाद आपका चैट एक्सपोर्ट कर सकता है, आपकी व्हाट्सएप को हैक कर सकता है, आपकी व्हाट्सएप का क्लोन वर्जन बनाकर आपकी व्हाट्सएप को हैक कर सकता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कोई भी बंदा आपके व्हाट्सएप को एक्सेस कर सकता है, आपका डाटा हैक कर सकता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस बंदे ने आपके व्हाट्सएप को हैक कर लिया है। लेकिन अगर आप अपने व्हाट्सएप को सिक्योर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि कोई भी बंदा आपके व्हाट्सएप को एक्सेस ना कर सके, आपका कोई भी बंदा आपका डाटा हैक ना कर सके, तो इसको आपने कैसे सिक्योर करना है, तो इसके लिए आपने करना क्या है, आपने अपने मोबाइल में अपनी व्हाट्सएप को कर लेना ओपन। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद ऊपर आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो आपने सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 3rd नंबर पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे आपको अनेबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने एक पासवर्ड टाइप करना है, जो कि पासवर्ड आपको ही आना चाहिए, आपको भूलना भी नहीं चाहिए। ऐसा पासवर्ड आपने देना है जो कि सिर्फ आपको पता हो, किसी दूसरे बंदे को अगर पता चल जाता है तो वो आपकी व्हाट्सएप को बहुत ही आसानी के साथ एक्सेस कर सकता है, आपके डाटा को हैक कर सकता है। तो आपने ऐसा पासवर्ड देना है जो कि सिर्फ आपको पता है। तो यहाँ पर आपने पासवर्ड टाइप करना है, उसके बाद आपने कन्फर्म पासवर्ड, वही पासवर्ड जो आपने पहले लिखा है वो आपने दोबारा से इसमें टाइप करना है। उसके बाद आपने एक जीमेल इसमें टाइप करना है, जो जिस पर आप अपना डाटा रिकवर करना चाहते हैं, या जिससे आपको अगर कोई बंदा आपकी व्हाट्सएप को हैक करने की कोशिश करेगा तो वो आपके जीमेल पर एक आपको एक मैसेज सेंड कर दिया जाएगा कि ये बंदा आपकी जीमेल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, आपके जीमेल को आपके व्हाट्सएप को हैक करने की कोशिश कर रहा है। तो आपने जीमेल अकाउंट इसमें टाइप करना है, उसके बाद आपने दोबारा से कन्फर्म वही जीमेल अकाउंट आपने टाइप करना है, उसके बाद नीचे नेक्स्ट पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने डन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर आपके मोबाइल में 2-स्टेप वेरिफिकेशन अनेबल हो चुकी है। तो इस तरह से इसका फ़ायदा आपको ये है कि अगर कोई भी बंदा आपके व्हाट्सएप को हैक करने की कोशिश करता है तो उसको ये इस पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो स्कैन करता है या फिर किसी भी तरह से आपका व्हाट्सएप हैक करने की कोशिश करता है तो जो कोड आपने जो इसमें कोड इंटर किया उस कोड की मदद से वो उसको हैक कर सकेगा। तो जब भी वो हैक करने की कोशिश करेगा तो उसको इस कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने इस कोड को किसी को भी नहीं बताना, ऐसा कोड आपने देना है जो कि सिर्फ आपको पता हो। तो इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप को सिक्योर कर सकते हो, और जब भी कोई बंदा आपको हैक करने की कोशिश करेगा तो उसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा हमारी व्हाट्सएप को हैक कर रहा है। तो ये कुछ टिप्स थे जिसकी वजह से आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हो, अपनी व्हाट्सएप को सिक्योर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।